आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप हॉस्पिटल जाने लगे तो अपने बैग में आपको क्या क्या रखना है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज अंत तक ज़रूर देखना आप आपके मन में जितने सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी जो आपको आसान भाषा में समझ में आए तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको अपने बैग में अपने मेडिकल रिपोर्ट को ज़रूर रखना है क्योंकि होता क्या है कि जो आपकी लास्ट रिपोर्ट थी उसमें करीब करीब सब कुछ शॉर्टकट में लिखा रहता है यानी कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है अगर मान लीजिए सिर्जेरियन ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें थायराइड का पता होना बहुत ज़रूरी होता है वरना दिक्कत हो सकती है तो आपको मेडिकल रिपोर्ट में थायराइड बीपी सारी चीज़ों को लेकर उसमें जो लिखा होगा तो वो रिपोर्ट होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका ध्यान ज़रूर रखें इसके बिना तो आपको जाना ही नहीं है अगली बात जो आएगी वो ये है कि आपको ब्रा जरूर रखना है और कोशिश करें कि अगर ये ब्रा ऐसा हो जिसमें कि हुक ना हो यानी कि आप स्पोर्ट्स ब्रा यूज कर सकती हैं या फिर ऐसा ब्रा रखें जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराए वहाँ पर क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सीजन की नौबत आ गई या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तब भी आपके ब्रा निकाल दिए जाते हैं क्योंकि इस समय आपको बिल्कुल फ्री रखा जाता है तो आप चाहें तो ऐसे ब्रा का इस्तेमाल कर सकती हैं जो बहुत हल्के टाइप के हों एकदम ऐसे जो बहुत फ्री टाइप के हों तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद भी जब आपका बेबी हो जाएगा इसके बाद भी आपको ऐसे ब्रा की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल कम्फर्टेबल हो और आप हो सके तो पैड आता है ब्रा के लिए तो आप पैड यूज कर सकती हैं यानी अलग से पैड ले सकती हैं जिसे आप लगा सकती हैं और जो बार बार दूध निकलने की प्रॉब्लम होगी तो वो आपके वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी यानी पैड में वो चला जाएगा तो आपको अलग से ब्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब जो ब्रा आपके पास है जो आपके अच्छा ब्रा है कम्फर्टेबल ब्रा है आप वही यूज कर सकती हैं बाहर से पैड ख़रीद सकती हैं जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनाया जाता है इसके बाद भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी होती है तब तो, तो होता है क्या है कि इसमें करीब करीब आपकी पीरियड ना के बराबर होगी फिर भी आपको जो पैड है वो आपको रखना पड़ेगा मतलब रख लेंगे आप तो बेहतर है आपके लिए क्योंकि इस समय क्या होगा कि सिज़ेरियन होने पर होता है क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं आते लेकिन अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो इस समय बहुत ज़्यादा पीरियड्स आएंगे जिसके लिए आपको सैनिटरी पैड तो रखना ही रखना पड़ेगा वैसे तो डॉक्टर्स भी आपको देंगे वहां पर लेकिन डॉक्टर्स के भरोसे हर चीज नहीं कर सकते हर जगह नहीं मिलता और बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं देते आपको तो आपको अपने साथ इस चीज़ को भी लेकर जाना पड़ेगा और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि दो चार या फिर पाँच पैंटी भी हो सके तो अपने साथ रख लें क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी के समय आपकी पैंटी एक या दो पैंटी फेंकना भी पड़ जाए क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी तो आपको फेंकना पड़ सकता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें इस चीज़ को लेकर चलें और फेंकने के अकॉर्डिंग भी आप चाहे तो नॉर्मल पैंटी ख़रीद सकती हैं जो आप फेंकने को रेडी हूँ तो वो भी आप ख़रीद सकती हैं और कोशिश करें कि जो पैंटी आप नॉर्मल रेगुलर यूज करती हैं जिस साइज़ का आप नॉर्मल यूज करती हैं उसे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आप यूज कर सकती हैं रीजन क्या होता है कि इस समय आपको बहुत कंफर्टेबल रहना होता है इसलिए आप थोड़ा सा ऐसा कर सकती हैं आपको इस समय अपने साथ गाउन को भी रखना ज़रूरी है यानी कि आप कहें तो नाइटी आप नाइटी रख सकते हैं दो नाइटी आप जरूर रखे कम कम से कम दो कह रही हूं, आप चाहे तो चार भी भी रख सकती हैं बट आ, ऐसा भी होता है बहुत बार कि नाइटी इतनी ज़्यादा गंदी हो जाएगी गंदी का ये मतलब है कि आप सोच भी नहीं सकती हैं कितनी गंदी हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो इस समय आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है खराब का मतलब है कि आपकी स्वास्थ्य वाली नहीं खराब का ये मतलब है कि उस समय जो नाइटी है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है खराब हो जाती है तो इसलिए आपको कम से कम दो तीन नाइटी मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए और हो सकता है आपको वहाँ भी मिल जाए पर कोशिश करें कि आप अपने साथ अपने बैग में पहले से रखें जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ही ना हो आपको अपने बैग में डायपर भी जरूर रखना है बच्चे के लिए आपको डायपर रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो बार बार पॉटी करेगा तो इतनी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में तुरंत धो पाना इतना आसान नहीं होता तो आप कोशिश करें कि डायपर यूज कर लें और अगर आप डायपर यूज नहीं करना चाहती हैं तो आप फिर घर में सिली सिलाई चीज़ें ले सकती हैं जो बच्चे को पहना सके लेकिन हाँ ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए या फिर आप डायपर ले सकती हैं अपने साइड से आप दो चार डायपर जरूर से ज़रूर रखें और एक चीज़ का आपको ध्यान और देना है आपको बच्चे के लिए कपड़े भी रखने पड़ेंगे यानी दो जोड़ी मिनिमम आपको कपड़ा रखना ही पड़ेगा ज़्यादा ले सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है बट कम से कम दो जरूर रखें इसके बाद आप अपने साथ उसके लिए जुराब भी रख सकती हैं यानी सॉक्स रख सकती हैं मोजा और आप उसके हाथ में पहनने के लिए भी कुछ रख लें तो ये सब तो उसे थोड़ा गर्म रखेगा और गर्म रखना ज़रूरी है क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल पेट से निकला होता है तो उसे गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है तो आप ये सारी चीज़ें ले सकती हैं अपने लिए लिप बाम लोसन ज़रूर लें क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय आपको ड्राई महसूस होगा और इस समय आपको लिप बाम या लोसन लगाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो इस चीज़ का ध्यान रखें और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने साथ बेबी को दूध पिलाने के लिए बोतल भी रखना है क्योंकि होता क्या है कि हर माँ को तुरंत दूध नहीं आता बहुत टाइम लग जाता है किसी किसी को डिलीवरी के तीन दिन बाद चार दिन बाद दूध आना शुरू होता है तो तब तक बच्चा क्या पिएगा उसे तो चाहिए दूध तो इसके लिए आप चाहें तो उसके लिए एक बोतल ले सकती हैं आप कांच का बोतल भी खरीद सकती हैं मार्केट में ईजिली अवेलेबल है या फिर आप एमेजोन से भी खरीद सकती हैं तो आप को कांच का बोतल लेना है कांच के बोतल में एक अच्छा निप्पल होना जरूरी है दो चार निप्पल ले लें या फिर आप चाहें तो डिलीवरी के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद अच्छे से डिलीवरी सारी चीज़ें हो गई तो इसके बाद आप एक दो बोतल और मंगा सकती हैं लेकिन एक बोतल अपने साथ जरूर रखें इसके बाद एक दूध का डब्बा भी आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं पिलाया जाता तुरंत जो बच्चा होता है उसको पाउडर का दूध ही पिलाया जाता है तो मार्केट से आप अच्छा सा पाउडर का दूध मंगा सकती हैं और फिर उसको आप सब कुछ करके पिला सकती हैं और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको गर्म पानी का बोतल भी अपने साथ रखना होगा क्योंकि हो सकता है आपको ठंड महसूस हो तो आपको भी गर्म पानी की ज़रूरत पड़ जाए और बच्चे को तो आपको दूध बनाकर देना ही पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका आपको एक बोतल भी रखना पड़ेगा तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें बहुत बार डिलीवरी के समय में डॉक्टर्स जो है नारियल का तेल मंगवाती मतलब उस समय आपको हो सकता है कहें कि आप नारियल का तेल ला दो इसके बाद आप ब्लेड ला के दो और एक दो चीज़ें और आपको कॉटन और साबुन ये सारी चीज़ें आपको दो चार पांच चीज़ें हो सकता है आपसे मांगे तो आप चाहें तो लास्ट टाइम जब भी आप डॉक्टर से मिलने जाएँ यानी डिलीवरी से पहले तो आप ये सारी चीज़ें पूछ सकती हैं कि क्या ये चीज़ें भी आपको चाहिए होती तो उसके बाद आप ले सकती हैं साथ में या फिर आप वहाँ जाने के बाद भी आप खरीद के लाकर दे सकती हैं और बहुत जगह ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जाती है डॉक्टर खुद प्रोवाइड करते हैं तो अपनी अपनी अलग बात है लेकिन हाँ सॉफ्ट टॉवल भी जरूर रखना है बच्चे के लिए ताकि इसको आप ढक कर रख सकें अपने साथ साबुन शैम्पू ये सारी चीज़ें भी जरूर कैरी करें उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अपना बेहद ख्याल रखें और जितने सवाल आपके मन में हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगी